नमस्कार, हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के समाचार। हमीरपुर में लगेगा एलोवेरा उद्योग, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, बंजर जमीन का होगा इस्तेमाल। कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा धृत कुमारी आने वाले दिनों में हिमाचल के लोगों के लिए न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमीरपुर में स्थापित होने जा रहे एलोवेरा आधारित उद्योग के प्रोडक्ट का प्रयोग अन्य राज्यों के लोग भी कर सकेंगे। जिला हमीरपुर के कांगू स्थित बडेरा में एलोवेरा आधारित इस उद्योग में एक यूनिट का नींव पत्थर रखा गया है। इस उद्योग को रुद्रा शक्ति हर्ब्स इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बताते हैं कि प्रदेश में एलोवेरा आधारित ऐसा पहला बड़ा उद्योग होगा जिसमें जिला हमीरपुर ही नहीं हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों के किसानों व स्थानीय लोगों के साथ बेरोजगार लोगों को भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिन जमीनों को किसानों ने जंगली जानवरों की उजाड़ के डर से बीजना छोड़ दिया है, उन बंजर जमीनों में विशेष प्रजाति की एलोवेरा जिसे प्लांट टिश्यू कल्चर विधि द्वारा तैयार किया गया है और इसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण विद्यमान होते हैं, उसकी खेती किसानों द्वारा करवाई जाएगी और बाद में उसके पत्ते कंपनी किसानों से खरीदेगी। इस उद्योग में जो भी उत्पाद तैयार होंगे वे 100% ऑर्गेनिक होंगे। इन्हें CSIR IHBT पालमपुर में स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश उद्योग विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडिया के सहयोग के साथ मिलकर तैयार किया गया है। कंपनी प्रबंधक की माने तो उनका प्रयास है कि वर्ष 2022 में इस यूनिट को स्टार्ट कर दिया जाए ताकि यहां उत्पाद बनाना शुरू हो जाए। नेरचौक में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पत्थरों से टकराई कार और फिर लग गई आग। नेरचौक से 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर लूणापानी में एक कार अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ी से भिड़त के बाद सड़क के किनारे पत्थरों से जा टकराई। इसके बाद कार के इंजन में आग लग गई, लेकिन शुक्र ये रहा कि कार चालक तुरंत बाहर निकल गया। कार मंडी से नेरचौक की ओर आ रही थी और बताया जा रहा है कि सड़क के बीच एक बैल को बचाने के चक्कर में कार के चालक ने नियंत्रण खो दिया और ये कार एक अन्य कार से जा टकराई। मौके पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी पहुंची जिसने आग पर काबू पाया, लेकिन कार बुरी तरह से जल चुकी है। कार चालकों के आपस में समझौता कर लेने से पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।